ये सारणी में बताई चैप्टर नंबर 6 में, उसी सारणी से चैप्टर नंबर 7 के जो सूत्र है, जो भी सात के उस सूत्र सब इससे बने हुए। अगर ये सारणी बनाने का तरीका आना चाहिए, अगर सही सही आपको तरीका आया सारणी बनाने का, तो सातवें चैप्टर के सूत्र इससे भी बन जाएंगे। जैसे देखो सबसे पहले सारणी बनाते कैसे है, लिखते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। सब में भाग क्या दो, 4 का भाग दो, यहाँ भाग गया 0 बार, यहाँ भाग रहता है यही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/2। सबका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने के बाद यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ आएगा 1/2 और यहाँ आएगा 1 का 1 और 2 का अंडर रूट, अंडर रूट 2। अगला है आपके ये क्या नाम है, 7 का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, 4 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके 1। अब मुझे याद करना है कॉस का मान, तो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को इधर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा आपके 1, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा और ये वाला मान यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ। अब देखो जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान, यहाँ 0 है और यहाँ 90, बताओ 0 और 90 की जोड़ कितनी होती है 90। अब यहाँ 30 है, इसका 30 और कॉस का 60, अब इसके सामने कितने दे रहे हैं 30 और यहाँ के सामने कितने दे रहे हैं 60, इसका 30 और 60 बराबर है, मतलब 30 और 60 जोड़ कितनी होती है 90, यहाँ दोनों जोड़ कितनी होती है 90। इसका मतलब क्या हुआ, साइन और कॉस के मान में दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री, ये होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों के मान होते हैं वो कितने होते हैं 90, दोनों आपस में क्या होते हैं पूरक कोण होते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, साइन का अगर मैं लू 90 डिग्री तो कॉस का कितना बराबर है 0 डिग्री। देखो साइन का 90 डिग्री और कॉस का 0 डिग्री क्या है आपके एक समान, तो मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर आपके 90 डिग्री है तो यहाँ क्या लिखो, यहाँ भी ऐसा लिख सकते हो आप, जो मैंने यहाँ लिखा वही यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, ये और एक ही हुआ, यहाँ साइन 90 है और यहाँ कॉस क्या हुआ 90 माइनस 90, मतलब क्या हुआ 0 हुआ। तो सूत्र क्या बन गया आपके, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ 30 लिखूं तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको 30, इसका मतलब क्या हुआ साइन 30 इसके बराबर होगा 90 माइनस 30 गया 60, साइन 30 इसके बराबर है कॉस 60 के बराबर, ये देखो साइन 30 कॉस 60 के बराबर है और कॉस 30 साइन 60 के बराबर, तो मतलब ये यहाँ आएगा भी यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा। तो ये वाला आपको इस सूत्र आपको ध्यान देना है कि इसका 0 तो उसका 90, इसका 90 तो इसमें केवल साइन और कॉस और कहीं नहीं, साइन और कॉस में, तो ये ध्यान देना जब भी ये माइनस वाला आ जाए। तो अगला वाला पॉइंट है, अगर आपको ज्ञात करना है टेन, तो टेन का कैसे ज्ञात करना है, टेन ज्ञात करने का सूत्र है आपके साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब मैं इसमें इसका भाग दूं तो इसका मान है, इसका टेन का मान आएगा, जीरो में का भाग कितना आएगा 0, इसमें इसका भाग देते हैं तो 2 से 2 कट गया, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया अंडर रूट 3, तो क्या है 1/√3, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेन का सूत्र क्या याद करेगा साइन बटा कॉस, तो यहाँ तो हमने काम में लिए थे ये वाले, अब इससे ये कैसे बने, अगर आपको सारणी याद है कि ये मैंने कैसे बनाया, तो आप टेन का मान याद करना है कि ये मान कैसे याद करते हैं, साइन में कॉस का भाग देने पर क्या आता है आपके टेन आता है, तो आपके अगली प्रश्न भी ये आपके टेन का मान हो जाएगा साइन का बटा कॉस थीटा, सब ऐसे ही होंगे। क्या नाम है इसमें पूरा भाग पूरा पूरा गया 1/2, यहाँ पर 2 से 2 गया, ऊपर बचा अंडर रूट 3, नीचे बचा 1, ये आएगा अंडर रूट 3 लिख सकते हो, और 1 में 0 का भाग देता क्या आता है अनंत। अब ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर लिखे क्या आएगा अनंत, ये आ जाएगा अंडर रूट का 3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा, जैसे देखो अभी साइन का मान मैंने उल्टा लिखा था तो ये आया था, अब मैं टेन के मान को कैसे लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन का मान क्या होगा कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट का मान क्या होता है टेन 90 माइनस थीटा। इसमें एक और भी होती है, देखो यहाँ घटाने पर भी हो रहा है और उल्टा करने पर भी
यहाँ उल्टा करने पर नहीं हो रहा था, यहाँ उल्टा करेंगे तो यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन देखो घटाने पर ही हो रहा है, तो वहां पर तो घटाने का नियम होता है काम, यहाँ पर घटाने का नियम भी काम आता है और नंबर को उल्टा करने का भी काम आता है। तो आप चाहो तो ये भी लगाओ और ये भी हो जाएगा, टेन का मान क्या होता है एक बटा कॉस थीटा उल्टा, मतलब ये एक का एक। अब मैं यहाँ कॉस का मान लिखूंगा तो उत्तर क्या आएगा टेन का मान। देखो जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ये लिखते हैं एक बटा अंडर रूट तीन, उल्टा करेंगे तो अंडर रूट तीन का चल जाएगा ऊपर। देखो इसको हमने जैसे उल्टा किया ऊपर ये बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको टेन का मान देखो घटाओगे तो भी मिलेगा, उसको उल्टा करोगे तो भी मिलेगा। तो टेन का मान क्या हुआ एक बटा कॉट, और कॉट का मान क्या हुआ एक बटा टेन। ये घटाने पर भी बनता है और उल्टा करने पर भी बनता है। तो ये वाला मान जब इधर लाओगे तो भी है, या जीरो को उल्टा रखो, ये वाला मान इधर लेके आओ या इसको उल्टा रखो, ये इसमें लागू नहीं हो रहा है, इसमें केवल इधर आ रहा है नंबर, ये उल्टा करने पर आपके नंबर दूसरा आ रहा है, उल्टा करने पर ये काम नहीं करता, ये क्या काम करता है केवल घटाने में। और ये वाला नियम आपके घटाने पर भी काम करता है, इधर लाकर भी कर सकते हो, इस नंबरों को उल्टा करके भी कर सकते हो, तो दोनों में आपके दोनों नियम काम करते हैं, ये माइनस वाला भी करता है और ये उल्टा करने का वाला। अगला है आपके sec थीटा, और sec कैसे याद होगा आपके, ये रहा आपके sec थीटा, sec होता है cos का उल्टा, इसका उल्टा cos, इसको उल्टा करते तो ये बनता है, मतलब एक को उल्टा क्या होता है एक ही होता है, इसका उल्टा क्या होता है दो बटा अंडर रूट तीन, इसका उल्टा क्या होता है अंडर रूट दो, इसका उल्टा क्या होता है दो, इसका उल्टा क्या होता है जीरो का उल्टा। देखो उल्टा करना मतलब ये ऐसा लिखना, मतलब cos के नीचे sec का मान, sec के नीचे cos, मतलब क्या होगा एक बटा क्या हो जाएगा cos थीटा। इधर लाने के लिए आपको काम लेना है घटाने के लिए नब्बे माइनस थीटा, और उल्टा करने के लिए लेते हैं cos बराबर क्या होगा एक बटा cos, मतलब ए का ए, cos का मान कितना देर का है मान लो ही देर का, या से ये ले लो या ये ले लो एक बटा दो लीजिए, उल्टा करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा दो आ जाएगा ऊपर मेरा। अब cos को उल्टा किया तो sec बनता है, और sec को उल्टा किया तो क्या बनता है cos बनता है, अगर उसको उल्टा करूंगा तो cos बनेगा, cos उल्टा करूं तो sec बनेगा, ये ध्यान देना है। घटाने के लिए कौन सा नियम है, उल्टा करने के लिए कौन सा है, ये थोड़ा ध्यान देना है, कि माइनस करने के लिए ऐसा ले लें और घटाने के लिए उल्टा, यहाँ घटाएंगे ना cos तो sin बन जाएगा, देखो cos को घटाते हैं ना तो क्या बन जाता है sin, उल्टा करते हैं तो क्या बनता है sec बनता है, ये ध्यान देना। टेन ऐसा नियम है घटाओ चाहे उल्टा करो एक ही आता है। अब cos का मान कैसे आएगा, cos का मान दो तरीके से आता है, एक तरीके क्या हुआ sin का उल्टा अनंत, या फिर ये इधर लेके आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके नियम कितने हो गए, आपके दो तो नियम हो गए, या तो क्या करना है आपको माइनस करना है, या क्या करना है आपको उल्टा करना, या तो ये वाला यहाँ लेगा, उसको मतलब क्या हुआ sec और cos में कौन सा नियम है घटाने का। तो अगर आपको मुझे cosec थीटा ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा sec में से 90 माइनस थीटा, मतलब ये यहाँ लेके आओ, अब ये वाला यहाँ लेके आओ या फिर इसको उल्टा करो, तो cosec का मान एक और भी होता है, वो क्या होता है sin का उल्टा, या तो sin के ऊपर तो उल्टा, या ये नंबर इधर से यहाँ लेके आओ, या ये नंबर इधर से यहाँ लेके आओ, या sin के ऊपर तो उल्टा, अब ये वाला नंबर इधर लेके आओ, या इस नंबर को तो उल्टा, अब ये अब इसका एक उल्टा क्या होता है एक, या ये नंबर दे दो, तो cos का मान क्या हो जाएगा sin माइनस थीटा, और cos का मान क्या होता है ये बटा sin, उल्टा करने पर sin बनेगा, घटाने पर क्या बनेगा आपके घटाने पर cos से sec, और sec से sec से cos, और cos से क्या होता है sec होता है, यह आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा, तो ये वाला ले जाओ ये वाला ले लो एक ही बात, उल्टा करने पर देखो साइन का cos का साइन, इससे ये बनता है वापस इससे ये बना सकते हो, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर क्या होता है एक बटा क्या हो जाएगा आपके एक बटा साइन थीटा, साइन तो हमने ये लिख दिया, हमने यहाँ क्या आएगा यहाँ लिखो साइन, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके cos, और ये ध्यान देना है उल्टा करने पर साइन बन रहा है, घटाने पर साइन बनेगा, तो साइन को घटाएंगे क्या बनेगा cos बनता है, तो घटाने पर तो cos बनता है, उल्टा करने पर cos बनता है, cos वाला वही है, घटाने पर तो sin बनता है, और उल्टा करने पर क्या बनता है sec बनता है, sec से cos, और sec का उल्टा करेंगे तो cos, और घटाएंगे क्या बनता है cosec बनता है। tan ऐसा नियम है,
चाहे तो घटाओ चाहे तो नंबर को उल्टा कर दो, दोनों से आपके यही नंबर बनते हैं। तो इसलिए इसमें आपका फिक्स है, घटाने पर यही और उल्टा करने पर भी यही। और यहाँ पर साइन का घटाने पर कॉस, उल्टा करने पर कोसेक, सेक का उल्टा करने पर कॉस और घटाने पर क्या बनता है, कोसेक बनता है। ये थोड़ा ध्यान देना आप, बाकी वाला टेन कोट का नियम यही है। एक और है वो भी बताते हैं, कल ये लिखो। अगले बताया था कि साइन थीटा का उल्टा करते हैं साइन का मान, साइन थीटा का मान क्या होता है, एक बटा कोसेक, उल्टा करने पर यह बनता है, बताया। तो कोसेक क्या आ जाए, साइन आपके ये आ जाए, और दोनों अगर इंटू आ जाए तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। ये ध्यान देना है कि अगर दोनों को गुणा करना है तो मान क्या बनेगा आपके, एक। ये तो उल्टा हो रहा है, मतलब दोनों का गुणा एक होता है। आप तो गुणा कर देख सकते हो, देखो ये तो रहा एक बटा दो, और ये तो कितना है आपके दो, उसको उससे गुणा करना है, तीस से तीस से पैंतालीस पैंतालीस से गुणा करेंगे तो कट गया, उसमें कितना है एक, इसको से गुणा करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, इसको से गुणा करेंगे तो ये नंबर इससे कट जाएगा और ये वाला नंबर ये कट जाएगा। हमें तो अभी तक मान कितना आएगा आपके, एक आएगा। इसीलिए कॉस और सेक भी क्या होता है, ये तो उल्टा होता है, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आता है आपके, एक आता है। तो कौन सा, कॉस को और सेक को गुणा करने पर कितना आता है, एक। या लिख सकते हो कॉस का मान एक बटा सेक और सेक का मान एक बटा कॉस, याद करना हो तो हो जाएगा। तीसरा है टेन और कॉट उल्टे होते हैं, तो टेन का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का मान क्या होता है, एक होता है। अगर टेन याद करना है कॉट से भेज दो, एक बटा कॉट, कॉट याद करना है तो एक बटा टेन। अभी मैंने इसको बताया था कि टेन का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और अभी मैंने यहाँ क्या मान बताया था, टेन का मान क्या होता है, अब मुझे कॉट याद करना, क्या करना होता है बताओ, कॉट याद करना है तो ये वाला इधर रहेगा एक बटा मतलब टेन का उल्टा। अगर मुझे कॉट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, टेन के मान को उल्टा करो, उल्टा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर देखो मैं इसमें इसका भाग तो दिया आएगा, लेकिन अगर इसमें इसका भाग हूं तो मतलब ये वाला नंबर ऊपर रखू और फिर मैं इसका भाग हूं साइन का भाग दू, दो से तो कट गया, उतर क्या आया अंडर रूट थ्री, ये तो वर्क रूट नहीं आ रहा। तो मतलब साइन में कॉस का भाग तो टेन आता है, लेकिन कॉस में साइन का भाग क्या आएगा आपके, कॉट आ जाएगा। अब ये लास्ट बताया आपके स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला आपको पर में भी जैसा भी दे रखा है आपके, स्क्वायर में होता है नियम, पहला नियम है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है आपके एक। मतलब देखो इसका स्क्वायर जीरो, इसका स्क्वायर एक, दोनों जोड़ कितना बनता है एक, एक का वर्गमूल वापस से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना बनता है, एक बनता है। देखो यहाँ पर एक का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर क्या होगा, एक प्लस जीरो एक, थीटा को थीटा ध्यान देना है, तो जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखो, यहाँ तीस तो यहाँ पे कितना तीस आने से। अब ये रहा ये दोनों, एक बटा दो का स्क्वायर प्लस अंडर रूट तीन बटा दो का स्क्वायर, इसका मान भी एक होगा, कैसे, ये होता है एक बटा चार, ये होता है तीन बटा चार, एक बटा चार बटा तीन बटा चार कितना होता है चार बटा चार, मतलब ये आएगा कि एक आएगा। तो मतलब है इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर जोड़ कितना आता है, एक। ये वाला इसका स्क्वायर एक बटा दो, इसका स्क्वायर एक बटा दो, एक बटा दो एक बटा दो कितना हो गया दो बटा दो, मतलब कितना हो गया आपके एक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ कितना होता है एक। लेकिन देखो पक्षांतरण भी ध्यान देने आपको कि अगर आपके सवाल में ऐसा आ जाए केवल क्या आ जाए साइन स्क्वायर, तो ये वाला जो मान है इधर है उधर डेक्स में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे अगर कॉस याद करना है तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर। देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, ये भी क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा, तो क्या हुआ ये तो हुआ आपके कर्ण, ये हुआ आपके आधार और ये हो गया आपके लंब। तो सबसे बड़ी बात कर्ण बढ़ाए तो कर्ण में से आधार घटाएंगे तो लंब आएगा, लंब घटाएंगे तो आधार आएगा, ये थोड़ा ध्यान देना है। अब अगला है आपके तो स्क्वायर में इन दोनों में होता है स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर क्या होता है इन दोनों एक छोड़कर एक, देखो दोनों लगातार हो सीधा लिखना है साइन प्लस कॉस का मान कितना होता है एक, थोड़ा गैप हो तो उल्टा,
sec में से sec और tan का मान कितना होता है, एक होता है। sec square theta बराबर क्या होता है, a plus tan square theta। अगर आप चाहो tan को तो माइनस आएगा। इसके अंदर आपके ये कर्ण है, इसके अंदर क्या है, ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या हो गया आपके, लंब हो गया। अब देखो sec का मान याद करना है, ये मुझे याद करना, कैसे याद करेंगे बताओ, एक में जोड़ेंगे tan का मान, ये जो मान दे रखा है ना, एक में जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे बताओ, tan का मान a बटा अंडर रूट 3 का तो कितना हो गया, a बटा 3 प्लस 1 कितना हो गया, 2 बटा 3, तो ये हो गया आपके कितना, 2 देखो 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 कितना होता है, 4 बटा 3 होता है जोड़ने पर। अब ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया तो यहां क्या लगेगा, अंडर रूट, उत्तर क्या आएगा, 2 बटा अंडर रूट 3, ये तो क्या आएगा, 2 बटा अंडर रूट 3 यहां कर लो सही है वाला। अगर ये आपको दिन में नहीं हो रहा है तो ये कर लो, a प्लस tan का मान, tan का मान कितना है, 1, ये का स्क्वायर 1 होता है, अब दोनों को जोड़ो तो कितना होता है, 2, ये तो sec स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हट गया इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो ये वाला रूट मान आ गया। तो अब क्या हुआ, tan का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ेंगे, वापस क्या निकालेंगे, वर्गमूल, इसका मान आता है आपका sec का मान, ये देखो, या अगर मैं क्या लिख दूं, अंडर रूट 3 लिख दूं, तो ये क्या है, जो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 का वर्गमूल 2, इसका मतलब क्या हुआ, sec का मान क्या होता है, sec का मान होता है 1 प्लस क्या होता है आपके, tan स्क्वायर। अगर मुझे इसमें से एक ज्ञात करना, क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का है, इधर x में हो जाएगा आपके, माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 1। पर अगर मुझे ज्ञात करना है, क्या एक ज्ञात करना हो तो, मुझे अगर ये tan ज्ञात करना है तो ये प्लस में 1 है, इधर x में हो जाएगा माइनस में, और वो क्या कहलाएगा आपके, tan स्क्वायर थीटा। तो tan ज्ञात करना है sec माइनस 1, 1 ज्ञात करना है sec माइनस 10। अब ये के सेम इधर दिखा पर है cosec और cot में, तो क्या आएगा, मुझे cosec ज्ञात करना है तो क्या कहना पड़ेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मुझे अगर ये अगर ज्ञात करना है, देखो इसका वर्ग कितना होता है, 3, 3 में जोड़ देंगे 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 हो जाएगा। अब इसका 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 का अंडर रूट, अंडर रूट 2, यहां भी सेम वैसे ही, यहां आगे भी सेम वैसे ही। इसमें करना क्या है, cot के वर्ग में 1 जोड़ने पर क्या आता है, cosec का वर्ग आता है। पर अगर आपको केवल क्या ज्ञात करना है, 1 ही ज्ञात करना है, तो क्या आएगा, इधर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो और मुझे cot ज्ञात करना हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपके, 1, पीछे क्या बचा आपके, cot स्क्वायर थीटा। तो पक्षाधर कर सकते हो, tan चीज क्या है, ये वाला और ये वाला, बाकी वाला तो पक्षांतर से है, पक्षांतर आप आता है प्लस माइनस करना है सिंपल, आई थिंक इसका मेन ये है, इन दोनों का जोड़ 1 होता है, इसके स्क्वायर में 1 जोड़ने पर sec आता है, और इसके स्क्वायर में 1 जोड़ने पर क्या आता है आपके, cosec आता है। ये तीन चीज ध्यान रखनी है, ये प्लस इनटू वाला ये भी ध्यान रखना है आपको।